वहाँ पर हमारी वंदे भारत लगी हुई है। लुक एट दिस, कितनी खूबसूरत लग रही है यार। क्या बात है यार, सारे के सारे डोर्स ऑटोमेटिक खुलते हैं और हम आज के व्यक्ति एक पास है जिसपे आप देख सकते हैं रांची पटना वंदे भारत 27th of June 2023। यार इसका इनॉग्रल रन पूरा हम लोग दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम लोग अभी रांची खुद ही पहुंच जाते हैं। रांची में बारिश हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। बिहार के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये मिलने वाली है कि 28 से वंदे भारत जो कि रांची टू पटना और पटना टू रांची चलेगी ना, वो शुरू होने जा रही है। हम लोग हैं पटना में और पटना से रांची के लिए निकलेंगे कल सुबह। आज 25 है और हम लोग 26 की सुबह को रांची के लिए निकलेंगे पटना से, ताकि हम लोग वंदे भारत को पटना ला सके। अभी अगर आप घड़ी में देखेंगे ना तो रात के 11:30 बज रहे हैं और ये जो हमारा ऑफिस है ना, थोड़ा सा अस्त व्यस्त लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले ये चीज आपको नहीं देखने को मिलती होगी। ये खिड़की पहले यहाँ पर नहीं थी, तो हमने इसको खिड़की खुलवाया ताकि थोड़ा सा बाहर की चीजों को फील किया जा सके। बहुत ही ज्यादा गर्मी होने लगती थी अंदर में यार, और यहाँ पे अपना सिस्टम है। अभी थोड़ा सा सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा हो रखा है, तो इसको माइंड मत करिएगा, जल्दी सारा कुछ सही हो जाएगा। तो अभी सब कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, कैमरा वैमरा सब कुछ अभी रख लिया गया है और बाकी सारे स्टफ्स यहाँ पर है जो शूट करना है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे जर्नी को ना आपको पूरी तरह से दिखाया जाए, और आज इस जर्नी की शुरुआत हो रही है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसके बाद एपिसोड बाय एपिसोड करके सारे वीडियोज आएंगे, वंदे भारत कैसे रांची से निकलेगी और फिर पटना पहुंचेगी और क्या कुछ अंदर कुछ रहेगा, सब कुछ पार्ट बाई पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर अभी आपको सीधे मिलते हैं पटना जंक्शन पे, क्योंकि थोड़ी पैकिंग ज्यादा है। 3 घंटे में 3:30 बज जाएगा और हम लोग को 4 बजे ट्रेन से निकलना है। तो भाई को अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज ये प्लेटफॉर्म नंबर 10 और अभी घड़ी में हो रहे हैं 3:25 और वहाँ पर हमारी वंदे भारत लगी हुई है। लुक एट दिस, कितनी खूबसूरत लग रही है यार, और इसी से आज हम लोग सफ़र करके रांची जाने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। सो गाइज यहाँ पर लगी है अपनी वंदे भारत, जिसको ले करके अभी हम लोग रांची जाएंगे और उसके बाद फिर रांची से इसको ले करके पटना आएंगे। तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं, अभी आज डेट है 26 तारीख और घड़ी में बस 4:15 होने जा रहे हैं और 4 बजे यहाँ से खुलेगी रांची के लिए। आपको एक बात बता देगी, ये बिहार वालों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब जो है वंदे भारत अपने पटना टू रांची और रांची टू पटना चलेगी, यानी कि बिहार को जोड़ने में इसका बहुत बड़ा योगदान। लोग आ चुके हैं ट्रेन के अंदर यार, इसका इनॉग्रल रन पूरा हम लोग दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम लोग अभी रांची खुद ही पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। वैसे सारे के सारे जो डोर है ना वो ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑपरेटेड। क्या बात है यार, सारे के सारे डोर्स ऑटोमेटिक खुलते हैं और हम लोग आ चुके हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में। काफी मस्त है ना, सब कुछ दिखाऊंगा इनॉग्रल रन में, लेकिन उससे पहले अभी हम लोग रांची पहुंच जाते हैं। हम लोग रांची से तो लौटेंगे, लेकिन शायद जो चीज अभी देखने को मिल रही है ना, वो चीज उस वाले वीडियो में ना देखे इनॉग्रल रन। अभी सनराइज हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, वंदे भारत ट्रेन के विंडो पे बैठ करके। अभी सुबह हो रही है और हम लोग शायद जहानाबाद पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये हमें इंडियन रेलवे की तरफ से किट मिला, जिसमें कि एक पास है जिसपे आप देख सकते हैं रांची पटना वंदे भारत 27th of June 2023 रांची रेलवे स्टेशन से ये चलने वाली है, उसके लिए पास मिला है। उसके बाद ये चीज़ मिल गई हमें जिसमें कि एक लिखा हुआ भी है, बी ए पार्ट ऑफ स्टेट। ये सारी चीज़ें हम लोग कल के नाम की देख सकते हैं। अभी सनराइज हो रहा है और कितना खूबसूरत यहाँ से लग रहा है इसका विजुअल। सो गाइस अभी हम लोग एग्जीक्यूटिव क्लास में और यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव क्लास वाली चेयर है ना, ये वाकई में एग्जीक्यूटिव वाली है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी खासियत आपको देखने को मिल जाती है चेयर में। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं चेयर को कैसे समझना है, इस साइड में बैठ करके आप सीनरी का मजा ले सकते हो और अगर बोर हो जाओगे तो फिर सब कुछ चलते फिरते आप देख सकते हो। यहाँ से इसको खोल करके यहाँ से ट्रेन निकाल सकते हैं और उसके बाद इस पे खाना पीना खा सकते हैं।
तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ अगर फोन लैपटॉप वगैरह है आपके पास तो उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे सॉकेट भी है। अगर आपके पास एडेप्टर नहीं है तो यूएसबी से भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का एग्जीक्यूटिव क्लास को डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर आप बोर नहीं होने वाले। तो मैं तो कहूंगा यार कि अगर पटना से रांची जा रहे हैं, चार टनल क्रॉस करके बहुत सारे पहाड़ और मानसून का अगर सीजन हो तो भाई साहब छुट्टी बिताने का इससे अच्छा कोई मौका हो ही नहीं। तो अभी हम लोग रांची पहुंचने वाले पटना से और ये देख सकते हैं आप अगला स्टेशन रांची है और अभी स्पीड कितनी है ये भी बता रहा है और नेक्स्ट स्टॉपेज कितने दूर है वो भी बताया जा रहा है। मतलब 82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और 14 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से हजारीबाग, बरका काना, मिसरा और उसके बाद रांची। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रांची और मैं फर्स्ट टाइम आज रांची आया हूं और वो भी ऐसे आऊंगा, मुझे पता नहीं था कि मैं वंदे भारत में बैठ करके रांची आऊंगा इसके इनॉग्रल रन को कवर करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये स्टेशन पर आप देख सकते हैं ट्रैक को भी कलर कर दिया गया है और हमारे हाथ में ये पास है कल वाला जब इनॉग्रल रन होना है तो इस तरह का कुछ खुशी होगा, मुझे ये यकीन नहीं था। काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारियाँ की गई हैं यहाँ पर ट्रेन को यहाँ से शुरू करने के लिए। लुक एट दिस, वहाँ पे रांची जंक्शन लिखा हुआ भी है, देख सकते हैं आप। काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा है, जो लोग रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे सभी लोग इसका आखिरी शॉट छोड़ना नहीं चाहते भाई। और रांची पहुंच चुकी है फिलहाल वंदे भारत और काफी जबरदस्त 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने में सक्षम 3.3 राइडिंग इंडेक्स के साथ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा स्लाइडिंग फुट स्टेप्स के साथ स्वचालित प्लग और टच फ्री स्लाइडिंग दरवाजे एग्जीक्यूटिव क्लास में घूमने वाली सीटें एयर कंडीशनिंग की मॉनिटरिंग हेतु टेक्नीशियन को फीडबैक देने की सुविधा। सिर्फ ये पटना से रांची पहुंची है इनॉग्रल रन की तैयारी के लिए और कल इसका इनॉग्रल रन होना है, लेकिन देख सकते हैं मीडिया कितनी जबरदस्त तरीके से इसको कवर करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। काफी जोर शोर से इसकी तैयारियां की जा रही थी बहुत पहले से और अब जाकर के इसकी तैयारियां कंप्लीट हुई है। हमारे हाथ में है ये पास। रांची में बारिश पटना में बारिश नहीं है तो फाइनली हम लोग स्टेशन के बाहर आ चुके हैं और काफी अच्छा जर्नी रहा। इनॉग्रल रन है और उसके लिए आप तैयार रहिएगा। हम लोग रांची स्टेशन के बाहर से अभी साइन ऑफ करते हैं। चलिए फिर आपको भाई साहब मिलेगा नेक्स्ट फ्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।